मेरा नाम आदिल तेली है और मैं एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट हूँ और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मेरी पैदाइश नारबल से हुई और मेरी स्कूलिंग भी नारबल से हुई, स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस में। और स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद मैं गांधी मेमोरियल कॉलेज श्रीनगर आया, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन कम्प्लीट की। तो भी मेरी स्टडी बाहर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में चल रही है। देखिए, पहले तो मैं जब मैं स्कूल में पढ़ा तो मैं नॉर्मली सभी बच्चों की तरह क्रिकेट खेलता था, तो क्रिकेट मुझे बड़ा पसंद था। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मुझे एक डिफरेंट स्पोर्ट चूज़ करना चाहिए जिसमें मेरा अच्छा करियर बन सके और मैं आगे जा पाऊँ। हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा लोग साइकिलिंग करते हैं और जो नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर खेला हुआ है। तो मुझे भी उस टाइम शौक पड़ा कि नहीं, मैं भी साइकिलिंग करूँगा। तो उसके बाद मैं साइकिलिंग में आया, लेकिन इतना आगे जाऊँगा लाइफ में तो ये सोचा नहीं था स्टार्टिंग में। उसके बाद मैंने 2014 से अपनी साइकिलिंग की शुरुआत की और 2014 से ही मैंने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया नेशनल लेवल पे। तो अभी भी मैं जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करता रहा हूँ नेशनल लेवल पे। और इसके बीच मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए खेला है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी साइकिलिंग चैम्पियनशिप में 3 साल कंटिन्यूसली। देखिए, जब मैंने पहली बार जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया था नेशनल लेवल पे, तो बहुत बड़ी बात मैं सोचता था कि मैं जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नेशनल लेवल पे, क्योंकि उस टाइम में इक्विपमेंट्स अपग्रेड नहीं थे कि इंसान अच्छा खासा परफॉर्म कर सके लेवल पे। और क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स होते हैं बाकी राइडर्स के पास, तो भी वही लैग पड़ जाता है। जम्मू कश्मीर के जितने भी एथलीट्स हैं, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स का लैग पड़ता है। तो जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो बड़ा अच्छा लगा कि प्राउड मूवमेंट था कि मैं जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करता रहा हूँ नेशनल लेवल। मैं कंटिन्यूसली जे एंड के को रिप्रेजेंट करता रहा हूँ नेशनल लेवल पे। और एक साल, दो साल, डेढ़ साल पहले मैंने सोचा था कि मुझे कश्मीर टू कन्याकुमारी अटेम्प्ट करना है साइकिलिंग का, बट मैं सिर्फ प्लान बना रहा था, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था उस प्लान को। बट ये चीज़ है कि मुझे चैलेंज ना बहुत पसंद है और मुझे जो भी चैलेंजिंग मोमेंट्स हैं, मैं उनको मतलब उस टास्क को लेना बड़ा पसंद करता हूँ। और बस मैं प्लान बना था, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी थी, स्पॉन्सर्स की कमी थी, इक्विपमेंट्स की कमी थी। क्योंकि ये जो जर्नी रहती है कश्मीर टू कन्याकुमारी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटैम्प्ट जो होता है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि हमें क्रू मेम्बर्स साथ होते हैं और हमें अच्छे खासे इक्विपमेंट्स होने चाहिए ताकि हम राइड अच्छे से कर सकें। और उसके बाद जब मैंने सोचा कि मुझे कश्मीर टू कन्याकुमारी कर रहा है, फिर मैं क्योंकि मैं अमृतसर में ट्रेनिंग करता हूँ, वहाँ की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता हूँ, वहाँ पर हमें साइकिलिंग बहुत अच्छे करते हैं। तो उसके बाद जब मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की थी और कंटिन्यूसली, तो मैंने अटेम्प्ट के लिए जब साइकिलिंग स्टार्ट की, मैं 6 महीने पहले अमृतसर चला गया था और वहाँ पे मैंने अपनी कश्मीर टू कन्याकुमारी अटेम्प्ट के लिए अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। जो मेरे कोच है राजेश कौशिक सर और भी कोच है जो आउट साइड ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की ड्यूरिंग ट्रेनिंग में। और 6 महीने पहले मैंने इस जर्नी के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट की। मुझे ये पता था कि मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी अटेम्प्ट करने वाला हूँ, लेकिन तब भी एक कमी थी, क्योंकि स्पॉन्सर तब भी मिला नहीं था और बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर की कमी रही। बहुत ज़्यादा ढूंढा मैंने स्पॉन्सर को और उसके बाद फाइनली ऑन बोर्ड एब्रॉक एब्रो आया। मैं यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूँगा रियाज साहब को, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया और वहाँ से मुझे होप बढ़ी कि नहीं, मैं इस अटेम्प्ट को ले सकता हूँ और कश्मीर टू कन्याकुमारी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट कर सकता हूँ। आज तक जम्मू कश्मीर के लोग अटेम्प्ट देखा करते थे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, और यहाँ पर आए तो किसी का ऑफिशियली नाम नहीं था। तो मैंने पहले भी जिक्र किया, मुझे चैलेंज लेना बड़ा पसंद है। और जब मैंने सोचा था कि मुझे कश्मीर टू कन्याकुमारी करना है और मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट करना है, पहले तो लोग स्टार्ट में बहुत ज़्यादा शॉक में हुए थे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और उसके बाद जब मैंने जर्नी स्टार्ट की कश्मीर टू कन्याकुमारी, क्योंकि स्पॉन्सर्स आए थे ऑन बोर्ड, और उसके बाद मेरी 2021 22 मार्च को मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कश्मीर टू कन्याकुमारी थी। और स्टार्टिंग मैंने जब की थी, मेरा फ्लैग ऑफ ड्यूकॉम ने किया था श्रीनगर से, और 22 मार्च को मैंने अपनी साइकिलिंग की जर्नी स्टार्ट की। और पहले ही दिन 22 मार्च को बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही थी कश्मीर से, और उसके बाद पूरे दिन बारिश पड़ी। जब मैंने जम्मू का रोड क्रॉस किया, क्योंकि सबको पता है जम्मू का हाईवे कितना ज़्यादा खराब रहता है, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स आई और रास्तों पे बहुत ज़्यादा पत्थर आ रहे थे, पानी आ रहा था। लेकिन एक ही दिमाग में माइंडसेट स्ट्रांग बना लिया था कि मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना ही है। और उसके बाद जब मैंने पहला दिन क्रॉस किया कश्मीर से, उसके बाद जब मुझे जम्मू की ओर पंजाब की ओर जाने लगा था, लेकिन उस टाइम भी बारिश कंटिन्यूसली पड़ रही थी। ऑलमोस्ट मुझे पंजाब क्रॉस करने के बाद ही बारिश को जब स्टॉप करते हुए देखा था। लेकिन जब मैंने पंजाब क्रॉस किया, जब मैं दिल्ली पहुंचा, तो मौसम बहुत अच्छा हुआ था, फिर मुझे धूप मिली थी बहुत जगह पे। लेकिन
हम कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट करना ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है इंसान के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ रहता है, क्योंकि हम एक नॉर्थ साइड में रहता है जहाँ पे हमें मौसम बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा मौसम मिलता है, हमें नॉर्मल एटमॉस्फेयर मिलता है, लेकिन जब हम साउथ की ओर जाते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और जब मैंने दिल्ली क्रॉस किया, जब मैं दिल्ली पहुँचा तो गर्मी बढ़ने लगी, उसके बाद आगरा, ग्वालियर, सागर, नागपुर और बेंगलोर, हैदराबाद, बेंगलोर और मदुराई, उसके बाद मैं कन्याकुमारी पहुंचा। लेकिन ये जो पूरी जर्नी थी आसान नहीं था, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जब मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी चल रहा था, डे 6 मेरा स्टार्ट हो गया था और मेरे नीज पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आना स्टार्ट हो गया था और मेरी सनबर्न बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि गर्मी की वजह से मैं 41 के टेम्परेचर में साइकिल चलाता था। लेकिन एक ही सर माइंडसेट स्ट्रॉन्ग बना था कि मुझे किसी भी हाल में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना है। 8th डे स्टार्ट हो गया और मेरी नी पे बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के, इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। और उसके बाद रात के 2:30 बजे मैंने अपनी माँ से बात की और मैंने माँ को बोला था इनफैक्ट कि मैं क्विट करूँगा, मैं छोड़ूंगा, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पेन हो रहा था। लेकिन कश्मीर के लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, आउटसाइड पूरा नेशन मुझे सपोर्ट कर रहा था इस जर्नी में। और माँ ने एक ही बात बोली थी कि आप इस अब आपने ऑलमोस्ट सारा सफ़र जीत चुके हो, आप बस कम ही टाइम बचा, आप उसको बीट कर सकते हो अच्छे मार्जिन से, अब आपने बीट कर ही लिया है तो बस अब इतना भी बर्दाश्त कर लो। और वहाँ माँ ने मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेट किया। उसके बाद मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी और कन्याकुमारी में 30 मार्च में मैंने फिनिश कर लिया था। और बड़ा अच्छा लगा कि जब मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी कंप्लीट किया और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को एक अच्छी मार्जिन से बीट किया मेरे लिए, तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा पहले तो मैंने बहुत रोया, क्योंकि जितनी भी स्ट्रगल की थी फाइनली वो ऊपर आई और कश्मीर के लोगों को मैंने प्राउड फील कराया कि मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट कर पाया एक अच्छे मार्जिन से। जब से मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट किया था, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे साइकिलिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने साइकिल लाया, तो मैं समझता हूँ कि मेरी वजह से अगर कोई अपनी सेहत पे ध्यान देने लगा तो मेरे लिए वो भी प्राउड मोमेंट है कि मेरी वजह से अपने सेहत पे बच्चे ध्यान दे रहे हैं। जब मैंने कश्मीर कन्याकुमारी बीट किया था साइकिलिंग, और उसके बाद जब मैं घर आया तो मुझे कुछ अलग ही देखने को मिला जो मेरे लिए सबसे नया था, क्योंकि जब मैं घर आया और पूरा हाईवे बंद करना पड़ा, पहले एयरपोर्ट पे, उसके बाद जब मैं घर पहुंचा घर पे पूरा हाईवे क्लोज करना पड़ा क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी लोगों के लिए, और वहाँ पे मैं कंट्रोल नहीं कर पाया क्योंकि फिर पुलिस प्रोटेक्शन थी वहाँ पे, तब मैं जाके कंट्रोल कर पाया लोगों को और मैं घर सेफली पहुंचा। तो मैं समझता हूँ कि लोगों का प्यार था मुझे मेरे लिए कि आदिल ने इतना बड़ा अच्छा काम किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट किया है। तो जितने भी यूथ है मतलब अगर वो मेरे से इंस्पायर होती या मेरे से मतलब थोड़ी बहुत उनको मोटिवेशन मिलती है कि हाँ नहीं हमें ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है अगर वो मेहनत लगन के साथ करे और एक ही जगह पे अपना माइंडसेट बना ले कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए आपने अच्छी बात बोली, कश्मीर में बहुत ज़्यादा भी ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट है, और पहले तो सिर्फ लड़के इसमें इन्वॉल्व थे, आजकल कुछ लड़कियाँ भी इसमें इन्वॉल्व होती जा रही है, और ये हमारे कश्मीर के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें आज से पहले 10 साल कश्मीर कैसा था और आज बहुत ज़्यादा फर्क मिलेगा आपको। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने अभी भी जिक्र किया ज़िंदगी में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, वो उनको होप नहीं छोड़नी चाहिए। अगर ज़िंदगी में उनको एक बार फेलियर मिलता है, दो बार फेलियर सामना करना पड़ता है, लेकिन तीसरी बार उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बट ये है कि जो भी ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं उसकी वजह से वो अपनी सेहत ही नहीं, जो उनके माँ बाप के सपने होते हैं वो भी उनको भी डुबा के लेके जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारा बच्चा कल जाके कुछ अच्छा काम करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, हमारी सोसाइटी का नाम, हमारे पूरे J&K का नाम, पूरे नेशन का नाम रोशन करेगा। लेकिन जब वो ड्रग्स में इन्वॉल्व होता है ना ही वो किसी का नाम रोशन कर पाता है, इनफैक्ट वो अपनी जो उनकी सेहत है वो भी खराब करते। तो मैं यही यूथ से कहूंगा कि आप, मैं ये नहीं कहता कि आप पर्टिकुलरली आप साइकिलिंग में ही आ जाओ, आप डिफरेंट फील्ड स्पोर्ट चूज कर सकते हो, आप अपनी सेहत के लिए नॉर्मल रूटीन भी बना सकते हो ताकि आप उस ड्रग से दूर रह पाए और अपनी सेहत बना पाए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं हम बड़े जरूर होते हैं लेकिन हम अपने माँ बाप की स्ट्रगल नहीं देख सकते, क्योंकि उन्होंने जो स्ट्रगल किया होता है अपने बच्चों के लिए वो बच्चों को नहीं दिखती है, क्योंकि बच्चा तो ऑटोमेटिक बड़ा हो ही जाता है अगर, लेकिन माँ बाप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है हमारे पीछे। तो हमें भी नज़र में रखना चाहिए कि माँ बाप हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है, हमें माँ बाप के लिए, इनफैक्ट हमें माँ बाप के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप जब भी हमारे ऊपर
हमें बड़ा करता है, हम बहुत छोटे होते तो बड़ा करता है, तो वो सोचते कि नहीं हम कल जाके हमारा ये सहारा बन सकता है। लेकिन आज बहुत ज्यादा यूथ हमारी ड्रग्स में इन्वॉल्व है, तो मैं यही चाहता हूँ कि वो वहां से वो दूर आए, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, और लाइफ सिर्फ एक बार ही मिलती है। अगर आप इस लाइफ को खराब करोगे तो फिर फायदा क्या? तो मैं यही मतलब सभी से बोलना चाहूंगा कि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आ जाइए, आप यहाँ से आप मेंटली फिट रह सकते हो, हेल्दी फिट रह सकते हो, सबसे बड़ी बात माहौल को बचा सकते हो। देखिए मैंने यही बोला अभी भी कि कश्मीर में अगर हम हालात की बात करें, मतलब जैसे हालात रहते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास टैलेंट है, और हमें अपॉर्चुनिटीज़ का वेट नहीं करना चाहिए, हमें खुद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है और हमें वहाँ उसको ग्रैब करना है। तो अगर हम घरों में बैठेंगे और फिर समझेंगे कि नहीं हमें घर जाके सक्सेस मिलेंगे, वैसा नहीं है। हम जब डेली निकलते हैं, सुबह 5:30 बजे ट्रेनिंग निकलते हैं, 8:30 बजे तक ट्रेनिंग करते हैं, 120 किलोमीटर ट्रेनिंग होती है, 80 किलोमीटर की ट्रेनिंग होती है, 100 किलोमीटर की ट्रेनिंग होती है, तो अगर हम घर पर बैठेंगे तो हम कैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट कर पाएंगे या किसी कॉम्पिटिशन में पोडियम हासिल कर सकते हैं? तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा, ट्रेनिंग पड़ेगी, खुद के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हम अपने माँ बाप को, अपने कश्मीर को प्राउड फील करा सकते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, और यही बात मैं सभी यूथ से कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कीजिए, और आप एक बार फेल हो सकते हो जिंदगी में, दो बार फेल हो सकते हो जिंदगी में, लेकिन बार बार फेल नहीं हो सकते हो जिंदगी में। जैसे मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट किया, आज तक एक साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि कश्मीर से कोई लड़का निकलेगा वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बना पाएगा, लेकिन मैंने ये किया। सो बाकी लोग भी कर सकते हैं, कुछ किसी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस आप मेहनत कीजिए और एक ही चीज़ पर फोकस कीजिए कि हमें ये चीज़ हासिल करनी है। थैंक यू सो मच।